अनिल जी, आपने भी सुना मदनलाल सैनी जी को, क्या कहेंगे? अब वो निर्जीव मशीन जो बोल नहीं सकती, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, जी ये तो उन्होंने बिल्कुल नई बात कह दी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा की जो ये जीत है राजस्थान की, खास तौर पर ये बूथ लेवल के कार्यकर्ता की मेहनत है और मोदी का नेतृत्व है। देखिए, आपको ध्यान होगा, मैं बार बार ये कहता था अपने डिस्कशन में, जितनी बार हमने चुनाव को लेकर चर्चा की कि भाजपा बूथ लेवल पर इतनी मजबूत है कि कांग्रेस के पास उसका जवाब नहीं है। और मतदान के दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथों पर नजर नहीं आए थे। अजमेर में मैंने देखा कि जिस तरह उनको साधन दिए गए, वो साधन लेके बहुत सारे लोग घर में बैठ गए। प्रत्याशी बाहर से आया, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी मेहनत में। सुबह 6 बजे 7 बजे निकलते, रात को 12 बजे आते, पूरे गांव-गांव का दौरा कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन ये जो अप्रिहेंशन था कि मतदान के दिन कई जगह बूथ नजर नहीं आएंगे, वो सही साबित हुआ जी। तो या तो विधानसभा चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता मदमस्त हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था जी। या विधानसभा चुनाव में जिन लोगों के बूते पर आप जीते थे, उन लोगों ने इस बार आपका साथ नहीं दिया जी। और मैं खास तौर पर जो जातीय समीकरण की बात थी जी, एक्स चीफ मिनिस्टर बना, वाई नहीं बना, और एक्स कॉम ने साथ दिया, वाई कॉम ने साथ नहीं दिया, ये सारी बातें भी इस चुनाव में देखी गई, उसका मूल्यांकन भी हुआ, एनालिसिस भी हुआ। और बहुत सारे लोग जो विधानसभा चुनाव में उत्साहित थे, मैदान में डटे हुए थे कांग्रेस के वोट के लिए, वो लोकसभा चुनाव में उस तरह वोट मांगते और वोट के लिए प्रयास जी, करते जी, दिखे नहीं जी। और अभी तो जब नतीजे आएंगे तो आप देखना कि जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हैं जी, जो 30-30, 40-40 हज़ार से जीत कर आए थे, मंत्री बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल रहता है बीजेपी कांग्रेस का जी? सुनीता जी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले उपचुनाव भी लोकसभा का जीते थे हम जी। कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी है, सब ने एकजुट होकर, पूरा यूनाइटेड होकर सही रणनीति से कार्य करा। परंतु जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन एक निर्जीव मशीन है, वो निर्जीव मशीन है, परंतु उसी से निकल के इतना बड़ा मैंडेट मिलता है। उसी में आप कहते हैं कि आप हार का ठीकरा फोड़ने के लिए उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि 2009 में आप याद करें कि जब यूपीए 2 का जनादेश आया था, तब सुब्रमण्यम स्वामी व आडवाणी जी ने भी इसी तरह की कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ईवीएम मशीन को बैन करा जाए, तथा विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं तो उन्हीं को फॉलो करा जाए। तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि पूर्व में सबसे पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी जी ने खुद ने ईवीएम पे सवाल खड़े करे थे। अब आज अगर नतीजे आपके पक्ष में आ रहे हैं तो आप दूसरों को कह रहे हैं कि ईवीएम में, जब पहले यूपी में चुनाव हुए थे, जब उपचुनाव हुए थे केराना में, तब भी आपके द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि गर्मियों में ईवीएम मशीन थोड़ा सा दिक्कत देती है। ये सब आप लोगों की स्टेटमेंट है और आपके जो निर्वाचन आयोग के उन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर ये सब चीज़ें सामने आई हैं और कई जगह ऐसा हुआ है कि कोई भी बटन दबाया और बीजेपी कमल पे जा रहा है, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो स्वाभाविक है कि प्रश्न उठते हैं। आप चाहते हैं लोकतंत्र में कोई सवाल भी नहीं उठाए, तो ये तो आपकी सामंतशाही और तानाशाही सोच बताती है। जनता ने जनादेश दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। हमारे अगर रणनीति में, हमारी कार्यप्रणाली में जहाँ कहीं भी कमी रही, उसकी समीक्षा की जाएगी, मनन करा जाएगा और फिर से आगे के लिए संघर्ष करा जाएगा जी। अनिल जी, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, पूछना नहीं चाहता हूँ इनको, तो कहना चाहता हूँ सिर्फ ये बात कि बीजेपी ने कितनी जल्दी प्रत्याशी घोषित किए थे। आपने आधे प्रत्याशी घोषित करने के बाद बचे हुए आधे प्रत्याशियों का पूरा दम निकाल दिया टिकट लेने में। हर बार आप ये करते हो कि वो आखिरी दिन तक दौड़ता रहता टिकट के लिए, 15 दिन तक। अजमेर में रिजीव जुनवाला टिकट तय था, ये बात मैं 15 दिन पहले जानता, टिकट घोषित होने से पहले, पर रिजीव जुनवाला को पता नहीं थी बात। और 15 दिन तक बीजेपी प्रत्याशी घूम के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर कर ली, तब जाके टिकट डिक्लेयर किया आपने। एक प्रत्याशी बीकानेर के हैं, वो मेरे को कह रहे थे कि मेरा आधा दम तो टिकट लेने में निकल गया, इतना लेट मेरे को टिकट मिला और इतनी मेहनत करनी पड़ी।
तो पार्टी क्या जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरती है या टिकट बांटने के लिए चुनाव में लड़ती है? ये मेरे समझ में नहीं आता कि हम एक्स को टिकट देके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वाई को टिकट देके हम अनुग्रहित कर रहे हैं उसको। क्या ये सोच रहता है कि 15-15 दिन लेट टिकट डिक्लेयर किया जाए, आप लड़ने जीतने के लिए मैदान में उतर रहे हो या सिर्फ टिकट बांट के एक हाथ का चुनाव चिन्ह लेके प्रत्याशी मैदान में रहे इसके लिए मैदान में उतर रहे हो? ये समझ में नहीं आता मेरे। इतनी बड़ी नेशनल पार्टी पूरे देश का चुनाव लड़ रही, इतना बड़ा चुनाव, राहुल गांधी का भविष्य स्टेक पर था, देश का भविष्य भी दांव पे था उनकी दृष्टि में, इसके बावजूद प्रत्याशियों के चयन में इतनी देर और पहले से तय प्रत्याशियों को भी दौड़ा दौड़ा के हाफ दिया, उसके बाद टिकट पकड़ाया। तो खैर समीक्षा आप लोग करेंगे, बड़े लोग हैं, राजनीति ज़्यादा जानते हैं हमसे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। पार्टी में शायद पार्टी के नेतृत्व को सच बताने वाले लोग या तो रह नहीं गए या सच बताने वाले लोग, सच्चाई से रूबरू कराने वाले लोग डरते हैं, सच नहीं बताते, नेता को वास्तविकता पता नहीं लगती, और जय जयकार में चाहे पराजय हो पार्टी की तो भी नेता की जय जयकार करते रहें, शायद इस परंपरा को कायम रखते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी का नुकसान होता है आपकी, लेकिन आप इसको हर बार शायद समझ नहीं पाते हैं, और कोई रणनीति, कोई पूरे देश में सिर्फ चौकीदार चोर के अलावा कोई बात की नहीं गई, और देशभक्ति की बात, देशभक्ति, क्या कांग्रेस के लोग देशभक्त नहीं थे? क्या कांग्रेस साथ देने वाले देशभक्त नहीं? लेकिन ये सवाल ही नहीं उठा पाए आप कहीं नहीं पाए कि हम भी देशभक्त हैं। आप ये बात तो कहते ना जनता के बीच में, लेकिन नहीं कह पाए, मोदी ने उसको भुना लिया, अपनी दृढ़ता को, अपनी देशभक्ति को, अपने राष्ट्रवाद को जिस तरह जनता के बीच प्रचारित प्रसारित किया, उसको आप न तो बांट पाए न उसका कोई तोड़ निकाल पाए। और ये जो अभी भी अमेठी में पीछे चल रहे हैं राहुल गांधी, ये बहुत मतलब आत्मविश्लेषण वाली बात है कि परंपरागत सीट दशकों से कांग्रेस की, और अमेठी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, वहां अगर आगे पीछे भी होना पड़ रहा है तो भले जीत जाए बिल्कुल, पर ऐसे चार बार आगे चार बार पीछे हो जाए तो ये बड़ी खबर है मेरी दृष्टि में, कैसा भी हो रहा है अमेठी में। अनिल जी मैं एक बात और आपको बता दूं, राजस्थान ही नहीं, हरियाणा की सभी सीटों पर, एमपी की सभी सीटों पर, महाराष्ट्र के 48 में से 40 सीटों पर और यूपी की 80 में से 60 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना रखी है इस समय जी। और राजस्थान की अगर बात करें तो भीलवाड़ा से सुभाष बहेड़िया 2 लाख वोटों की लीड ले चुके हैं, चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी करीब 1.5 लाख वोटों की लीड ले चुके हैं, जो वो लीड का जो सिलसिला है वो हजारों से अब 3 से 4 लाख अब लाखों के अंदर जाने लग गया है। वो निश्चित तौर पर देखिए, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, पाली, राजसमंद जी, इनमें तो मेरे को शुरू से ही कोई मुकाबला नहीं लग रहा था जी। अजमेर में सिर्फ प्रत्याशी की मेहनत और युवा प्रत्याशी होना जरूर दमखम दिखा रहा था, लेकिन जो मोदी मोदी था वो इस सारे इलाके में था। क्षमा करें, अगर कांग्रेस को कहीं उम्मीद थी तो सेकंड राउंड से थी, और जोधपुर बाड़मेर से थी जी, नागौर गंगानगर से थी, करौली धौलपुर और दौसा से थी, दौसा से ये सीटें थी। दौसा में भी करीब 30,000 वोटों की लीड जसकौर मीणा ने हो गई है। हाँ, तो मेरे को नहीं लगता कि अब वो रिकवर होगी। और बड़ी बात तो ये है कि अलवर से चांदनाथ के शिष्य आए हरियाणा से जी, वो लाखों वोट से जीतेंगे, और भंवर जीतन सिंह जो अलवर के राज परिवार के सदस्य, राजा और राजा का बड़ा सम्मान जी और विकास पुरुष कहे जाते हैं, उन्होंने इतना काम किया था जब वो सांसद थे और मंत्री थे केंद्र में, वो चुनाव हारेंगे। और चांदनाथ जो 4 साल में एक बार भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, उनका बेटा फिर वहां से आकर चुनाव जीत रहा है जी। तो अब जनता को भी क्या कहें, लेकिन जनता चूंकि मोदी मोदी हुई पड़ी थी इसलिए ये सारा परिणाम तो मेरी दृष्टि में मोदी मोदी का है। और एक रो में पूरा देश बह गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर के और मेघालय तक जी। और इसमें मीडिया का, भाजपा के प्रचार तंत्र का, और भाजपा ने जो नारा रखा और भाजपा ने जो नेतृत्व सामने रखा उसका बड़ा भारी योगदान है, उसकी तोड़ विपक्ष के पास नहीं थी। और आपको ध्यान होगा, हमने आज के 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश को एनालिसिस किया था जी, तब मैंने कहा था स्पष्ट कि कांग्रेस को भाजपा ने जाने अनजाने तरीके से मायावती अखिलेश के
गठबंधन से दूर रखवाया है और ये आत्मघात किया है मायावती ने ऐसा करवा के जी। मायावती ने क्या सोच के किया, क्यों किया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश की पार्टी के बीच कंफ्यूज होगा जी। मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, जो कि पूरी तरह अगर तीनों एक होते तो इस गठबंधन को जाता जी। और मायावती का SC वोट कांग्रेस और मायावती के बीच डिवाइड होगा। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो ये था, जो शायद ये बड़े राजनेता नहीं समझ पाते, कि जहां मायावती की पार्टी नहीं लड़ रही थी, अखिलेश की पार्टी लड़ रही थी जी। वहां दलित वोट मायावती शिफ्ट नहीं करा सकती थी अखिलेश को, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी मौजूद था जी। और जहां पर अखिलेश की पार्टी लड़ रही थी, मायावती की पार्टी लड़ रही थी, वहां पर अखिलेश मुस्लिम वोट शिफ्ट नहीं करा सकता था मायावती की पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस मौजूद थी जी। तो ये जब नतीजे आएंगे इसका एनालिसिस करना, देखना आप कि कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होगी अखिलेश और मायावती के जो अभिमान था जी, उस अभिमान को तोड़ने के बाद भाजपा की जीत की राह बनाने में कांग्रेस बड़ा इंस्ट्रूमेंट साबित होगी जी। बिल्कुल, चलिए सुनीता जी, आपसे हम यही कहेंगे कि आत्ममंथन का समय है आपके लिए, और शील दबाई जी बधाई तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ शुभकामनाएं हम आपको अभी से दे सकते हैं, जो रुझान है वो आपके पक्ष में है। आप दोनों स्टूडियो में आए, अपना वक्त दिया, अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।